हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी तत्काल या नॉर्मल टिकट बुकिंग करते समय कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। इस ऑप्शन का यूज़ अगर आप सही ढंग से करना सीख गए तो आप कन्फर्म तत्काल टिकट ईजिली बुक कर सकते हैं और आपका टिकट भी वेटिंग लिस्ट बुक नहीं हो पाएगा। तो चलिए इन सभी ऑप्शन के बारे में बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। टिकट बुकिंग के दौरान आपको ऑर्डर्स प्रीफ्रेंस में दो ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इस ऑप्शन के द्वारा अगर आप वेटिंग टिकट बुक कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन के चूज़ करने के दौरान आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर आप अपना टिकट वेटिंग टिकट स्लीपर क्लास में बुक कर रहे हैं, चार्ट लगने के दौरान जिस दिन आप सफ़र करेंगे उस दिन ट्रेन खुलने के चार घंटा पहले अगर बाई चांस स्लीपर में एक भी सीट अगर नहीं रहा और एसी में कुछ सीट खाली रहा तो रेलवे आपको वही थर्ड एसी वाला सीट आपको प्रोवाइड कर देगी। दूसरा ऑप्शन बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। इस ऑप्शन के दौरान अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कभी भी वेटिंग लिस्ट टिकट बुक नहीं होगा। इस ऑप्शन के दौरान अगर आपका टिकट बुकिंग होगा तो सिर्फ कंफर्म बर्थ ही बुकिंग होगा, वरना वेटिंग टिकट बुक नहीं होगा। इन दो ऑप्शन के अलावा सबसे नीचे में इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर आपको देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन के दौरान आप अपना मनपसंद कोच नंबर बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप 2 महीना या 10 दिन 15 दिन पहले आप कोई भी ट्रेन में रिजर्वेशन कराए हैं और चाहते हैं कि मैं उसी कोच में अपना टिकट बुक करना चाहता हूं, तो आप सेम इस ऑप्शन का यूज़ करके आप उस कोच में अपना टिकट इजीली बुक कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शन के बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन रिजर्वेशन चॉइस। रिजर्वेशन चॉइस में नॉन, इसमें आप टिकट बुकिंग के दौरान नॉन ऑप्शन पर भी क्लिक करके छोड़ सकते हैं। अगर आपका बुकिंग 4-5 फैमिली के साथ में अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन बुक ओनली अप ऑल बर्थ आर एलोकेटेड इन द सेम कोच। इस ऑप्शन को चूज़ करने के दौरान आपका सारा टिकट एक साथ एक ही कोच में बुकिंग होगा। एंड तीसरा ऑप्शन बुक ओनली इफ एट लीस्ट 1 lower बर्थ इज एलोकेटेड। इस ऑप्शन के दौरान अगर आप 4-5 लोग हैं, आप चाहते हैं कि आपको कम से कम एक लोअर बर्थ आपको प्रोवाइड करें, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके आप लोअर बर्थ ले सकते हैं। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन चौथा बुक ओनली इफ 2 lower बर्थ आर एलोकेटेड। इस ऑप्शन के दौरान आपको 2 lower बर्थ मिल सकता है। अगर आपको 2 lower बर्थ चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको कभी कभी इस टाइप का भी ऑप्शन देखने को मिलता होगा। इस टाइप का ऑप्शन आपको उसी समय देखने को मिलता होगा जिस समय आप बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड का ऑप्शन प्रेस करके आप टिकट बुकिंग करते हैं। उसी समय लास्ट में जब आप पेमेंट करने जाइएगा, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको रिट्राई बुकिंग कंफर्मेशन का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपका सीट ख़त्म हो चुका है। इसके दौरान भी अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करके बुकिंग कर सकते हैं। आप यस के ऑप्शन पर क्लिक ना ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि यस के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका टिकट वेटिंग लिस्ट बुकिंग हो जाएगा, जो कि आपका कंफर्म एकदम नहीं होगा। इसीलिए आप नो पर ही क्लिक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके।